कब्रिस्तान के ट्रस्टी शुएब कातिब ने आरोपों को खारिज किया। याकूब के लिए कुछ भी नहीं किया गया है, माबल याकूब के रिश्तेदारों ने लगवाए हैं, लाइट अंधेरे की वजह से लगाई गई थी। ये साफ तौर पर कहा गया कब्रिस्तान के ट्रस्टी द्वारा। उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं किया गया कब्रिस्तान को सजाने संवारने के लिए या याकूब अमन की कब्र को सजाने के लिए। उन्होंने कहा कि परिवार ने माबल लगवाया और अंधेरा क्योंकि था कब्रिस्तान में, इस वजह से लाइट लगाई गई। आप तमाम न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये बताने की कोशिश करता हूँ कि ये जो न्यूज़ चली है, ये इस न्यूज़ के अंदर कोई हकीकत नहीं है कि याकूब मेमन के लिए मार्बल लगाया गया, याकूब मेमन के लिए लाइट लगाई गई या उसके लिए कोई स्पेशल कुछ किया गया। ये एक कॉमन प्रोसेस है जो बड़े कब्रिस्तान के अंदर बहुत सी कब्रों के ऊपर मार्बल लगाया गया है। और ये जो लाइट वाली वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ये बड़ी रात के टाइम पर जो शबे बारात के वक्त पिछले 3 साल में कोविड के वजह से नहीं हुआ था, ये मर्तबा पूरे कब्रिस्तान को, सिर्फ बॉम्बे के बड़े कब्रिस्तान को ही नहीं, पूरे बॉम्बे के कब्रिस्तान के अंदर ये सुविधा की गई थी। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं, पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए। हम जब हमारे मरहूमिन के लिए आते हैं तो उनके लिए, उनके खुशी के लिए, उनकी ईद के तौर पर हम मनाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो वायरल हो रही है, नाम याकूब मेमन के लिए कोई सिंपति नहीं है, उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान किया था, हम क्यों उनके लिए ये सारी चीज़ों की सुविधा देंगे। दूसरी बात, उस याकूब मेमन की कब्र के अलावा उसके अंदर 17 कब्रें, आप लोगों ने अगर जाके देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो आप लोग जाके देखें, कोई पर्टिकुलर याकूब मेमन की कब्र नहीं है और कोई मजार या कोई दरगाह वगैरह बनाने का कोई प्रोविजन नहीं है। वो बाउंड्री के ऊपर पहले ब्लैक कलर का मार्बल था जिसको निकाल कर 5 से 7 साल पहले एक डैमेज हो गया था कि कब्र की मिट्टी बाहर आ रही थी, उसकी वजह से जो भी था, पेड़ का इशू था या जो भी था, तो उसकी वजह से उनके कुछ दूर के रिलेटिव है, उन्होंने एप्लीकेशन फाइल करने के बाद में उसको प्रोसेस को कम्प्लीट किया। हमारे साथ राम कदम जी जुड़े हुए। राम कदम जी, ये जो अभी आप बयान सुन रहे थे, जो ट्रस्ट है उनका कहना है कि कुछ खास नहीं किया गया है, प्रक्रिया के तहत हुआ है, परिवार ने लगवाया है मार्बल, इसको इतना बढ़ा चढ़ाकर विवाद बनाने की जरूरत नहीं है, तो क्या विवाद राजनीति के लिए बनाया जा रहा है? देखिए, हमने हर विषय राजनीति के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। जब दल के ऊपर, जब राष्ट्र की बात आती है, माँ भारती की बात आती है, तो दल के ऊपर हम देखते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख सूत्र है। अब एक आतंकवादी के कब्र को तुम मजार बनाओ और कहोगे कि वहां लाइट नहीं थी करके चारों तरफ से एलईडी लगाई, अब ये बातों में कितना दम है आप खुद देख रहे हो। एक तरफ उसका वीडियो देखिए, एक तरफ उसके पिक्चर्स मैंने ट्वीट किए वो देखिए, ये सरासर बचाव हो रहा है। और शिवसेना आप क्या कर रही है, शिवसेना हाथ जोड़ करके शिवसेना तो ये भी कह रही है कि अब तक आप चुप क्यों थे, अब तक चुप क्यों थे, क्या इस बात का इंतजार था कि आप सत्ता में आ जाएं, वो सत्ता से बाहर हो जाएं तो फिर उनसे ये सवाल पूछा जाए? देखो, सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, जहां देश की बात निकलती है, राष्ट्रभक्ति की बात निकलती है, तो यहां पे चुप रहने का कोई सवाल नहीं उठता। जब ये बात सामने आई तो सबसे पहले देश में इस बात को मैंने उठाने का प्रयास किया। इसके पूर्व आते तो इसके पूर्व पहले भी उठा लेते, पर जो सत्ता में बैठते, जो सरकार में होते हैं, उनका दायित्व होता है कि इन सारी चीजों पे नजर रखना। और उसके लिए मुंबई में है ना, महाराष्ट्र में 2.5 लाख की पुलिस फोर्स है, और 2.5 लाख की पुलिस फोर्स क्या कर रही थी, क्या 100 करोड़ की वसूली में इन्होंने उनको बिजी करके रखा था, क्या करके रखा था? ठीक है, इनको शर्म आनी चाहिए। शर्म ये शब्द इसलिए कह रहा हूँ जी कि इनके 2 मंत्री 1 सांसद जेल के भीतर है। कई बार इन्होंने प्रयास किए, कोई कोर्ट ने, न्यायपालिका ने उन्हें कोई रिलीफ नहीं। इनका पूर्व पुलिस कमिश्नर जेल में, इनके कार्यकाल में, ठीक है राम कदम जी, ठीक है राम कदम जी, दावा किया वो हमने देखा। ठीक है राम कदम जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बातचीत हमसे करने के लिए। यहाँ ये डॉर्पर नामक एक अच्छी नस्ल की भेड़ को पालते हैं, पालकर हर साल 40 से 50 लाख कमाते हैं। आपको भी करना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम आपको अभी डाउनलोड कीजिए।